हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्ट एंड टेक। यदि आप भी जियो के द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने भी इस मोबाइल को शॉप पर लाइन में लग के ख़रीदा है और मैं आपको इस मोबाइल के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आपको इस मोबाइल में मैं इसे ऑन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि जियो का लोगो आ गया है, जियो डिजिटल लाइफ। थोड़ा समय लगेगा। अभी मोबाइल ऑन हो चुका है। मोबाइल में आपको 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, जिससे आप सेल्फी ले सकते हैं। मैं कैमरे के कुछ सैंपल बताता हूँ। ये है रियर कैमरा। और फ्रंट फेसिंग कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का है, जो कि बहुत बेकार पिक्चर लेता है। जियो स्टोर इसमें आपको मिल जाता है जियो सिनेमा। जियो की सारी एप्लीकेशन को आप इसमें रन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक को नहीं चला सकते हैं। वीडियो कॉलिंग का भी इसमें फीचर है, लेकिन अभी मैंने वीडियो कॉल करके देखा था, कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसमें वाईफाई की सुविधा भी दी गई है और 2000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक का बैकअप दे देती है। बाकी मोबाइल तो अच्छा है, लेकिन स्लो काम करता है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इस पे जियो म्यूजिक से अपन गाने भी सुन सकते, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक रन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है। इसमें iOS का वर्जन दिया गया है, जो कि अपडेटेबल है। इसमें सिर्फ सिंगल सिम सपोर्टेबल है। माइक्रो एसडी कार्ड का अलग से ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें मेन सिम नहीं लगा सकते हैं। यदि जियो सिम आप यूज कर रहे हैं तो आप दूसरी अदर ऑपरेटर की सिम यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें वाईफाई की सुविधा दी गई है, लेकिन इसमें हॉटस्पॉट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे ना ही इसमें सैरेट का उपयोग कर सकते हैं दूसरों से फाइल लेने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 1500 रुपये में से 1500 रुपये में मोबाइल अच्छा है, लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल सिम का ही यूज कर सकते हैं। ये जियो की चाल है, ताकि आप दूसरी सिम यूज ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।